जय भीम नमो बुद्धाय। आज मैं डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के मूल गांव में हूं, अंबड़वे में। और आप लोगों को याद होगा कि मैंने एक सीरीज चलाई थी, द अनटोल्ड अंबेडकर। और इस सीरीज में मैंने बाबा साहब अंबेडकर जी के कुछ अनकहे और अन लिखे हुए बातों को लोगों के सामने लाया था। इसका फर्स्ट एपिसोड मैंने शुरुआत की थी बाबा साहब के सरनेम से, कि क्या बाबा साहब अंबेडकर जी को अंबेडकर ये सरनेम किसी ब्राह्मण शिक्षक ने दिया हुआ था। और जब मैंने ये सारी बातें रखी, सारे प्रूफ रखे कि बाबा साहब अंबेडकर जी का कोई भी अंबेडकर नाम का कोई ब्राह्मण गुरु जी था ही नहीं, बाबा साहब अंबेडकर जी का जो सरनेम है अंबेडकर, ये आज जिस गांव में मैं बैठा हूं अंबड़वे, इस गांव के नाम से बाबा साहब अंबेडकर जी का सरनेम उनके पिताजी की सोची समझी ये पहल थी कि हमको हमारे जो सरनेम है ये जातियों को दर्शाते हैं और इसलिए हमारी जाति आगे चलकर किसी को पता ना चले, चाहे वो स्कूलों में हो या नौकरियों की जगह पर हो, कि हमारी जातियां नष्ट हो जाए और ये किसी को पता ना चले, इसलिए गांव के नाम के आगे कर लगाना शुरू कर दिया था। जैसे अंबड़वे ये गांव है, तो रामजी बाबा ने यानी बाबा साहब अंबेडकर जी के पिताजी ने इस गांव का नाम याद के स्वरूप में कि हम इस गांव के लोग हैं, जब बाबा साहब सातारा में गए और प्रताप सिंह हाई स्कूल में अपने बच्चों का दाखिला उन्होंने करवाया, आनंद राव और भीम राव, तो इनके नाम के आगे उन्होंने अपना सरनेम नहीं लगाया, गांव का नाम लगाया जो था अंबड़वे, और अंबड़वे के आगे कर लगाया अंबड़वे कर। आज मैं बाबा साहब अंबेडकर जी के स्मारक के सामने बैठा हूं, सामने मेरे स्मारक है और इस स्मारक की जितने भी देखभाल है, पूरे देश से, देश विदेशों से जो लोग यहाँ पर आते हैं उनको मार्गदर्शन करने का काम सुदाम गुरुजी यहाँ पर करते हैं और आज मैं उनके सामने बैठा हूं। दरअसल मेरी पूरी चर्चा हो गई थी उनसे सरनेम को लेकर, तो जो बातें उन्होंने मुझसे कही थी तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है कि क्या आप ये बातें वीडियो में कह सकते हैं, ताकि जो लोग मुझे ट्रोल कर रहे थे कि राजरत्न गलत बात कर रहा है, अंबेडकर गुरुजी थे, बुक में तो यही लिखा है, किसी किसी बुक में रेफरेंस दिया है, तो हम जानते हैं सुदाम गुरुजी से कि क्या बाबा साहब अंबेडकर जी को अंबेडकर ये नाम वाकई में किसी अंबेडकर ब्राह्मण शिक्षक ने दिया था। तो गुरुजी मैं आपसे उम्मीद आपले विनंती करी कि माझा जो वर्ग आहे हा देशातला आणि विदेशातला आहे, त्यामुळे आपण जर हिंदीमध्ये सगळ्यांना एक्सप्लेन केलं तर चांगलं आहे, आणि मराठीतही केलं तरी लोकांना ते समजेलच। तो हम जानते हैं कि क्या वाकई में बाबासाहेब आंबेडकर जी को आंबेडकर ये नाम किसी ब्राह्मण शिक्षक ने दिया है, गुरुजी आपण मला मार्गदर्शन कराव। जय भीम, मेरा नाम सुदाम बाबा सकपाल आंबेडकर है, मैं ये इस परिवार के भाई बंद में हूँ बाबा साहब के गांव के। मैं जो राजरत्न साहब ने जो जानकारी मांगे मैं देता हूँ। बाबा साहब के पिताजी रामजी बाबा नौकरी के लिए प्रताप सिंह हाईस्कूल में सतारा में गए, तभी बाबा साहब छोटे थे, तभी 6 साल पूरा होने के बाद नाम दर्ज किया प्रताप सिंह हाईस्कूल में, वो गांव का नाम दिया, सरनेम सकपाल था, गांव का नाम दिया भीमराव रामजी अंबड़वेकर, वो नाम दिया गांव का। तो उसका जो शिक्षक था गुरुजी ने बोला भीमराव आपके पिताजी को बुला लाना। जब पिताजी गया तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारा जो नाम है ये अन्यड़ है उच्चारने के लिए, ये नाम कैसा, अभी तो हम सतारा में है, हमारा गांव जो कोकण में अंबड़वे उसका नाम इनको हम दिया, तो नाम जो लेने के लिए आड़ा टेढ़ा लगता है उसके लिए मैं उसको अंबेडकर नाम दिया तो चलेगा, हाँ तो ये मिलता जुलता है। तभी से प्रताप सिंह हाईस्कूल में नाम दर्ज किया भीमराव रामजी अंबेडकर, अंबड़वे का अंबेडकर हुआ। तो इसके बारे में जो जो जानकारी लेने के लिए पूरा देश में आते हैं फाइनल करने के लिए कि सही में अंबेडकर गुरुजी था प्रताप सिंह हाईस्कूल में, तो इसके बारे में बाबा साहब का जो चरित्र छापा है बम्बई में गवर्नमेंट सेंटर प्रेस में, तो वसंत मुन उसको मुकरर किया था, वसंत मुन 20 खंड छापा दिया बाबा साहब का और वो गुजर गया। वो गुजरने के बाद महाराष्ट्र शासन ने हरि नरके का उधर मुकरर किया, तो 30/11/2006 में हरि नरके यहाँ पर आया था
और उन्होंने कहा कि 21वां जो खंड प्रसिद्ध करने के लिए शासन हमको मुकर्रर किया है। तो हमने कहा भाई आप कहाँ कहाँ गए, तो पूरा फॉरेन में जितना भी डिग्रियां लिया बाबा साहब वहां पर गए, बाबा साहब का कदम जहां जहां लगा उधर हम गए। मगर हम सातार में प्रताप सिंह हाईस्कूल में गए तभी से उधर हमारे उधर दिखा दिया ना है कि ब्राह्मण गुरुजी हमको मिला नहीं कि अम्बेडकर नाम का ब्राह्मण गुरुजी ये नाम दर्ज करने वाला हमको उधर मिला नहीं है। 30/11/2006 को यहाँ पर आया था ऐसा है। तो बताने का बात यह है कि इनका गुरु ब्राह्मण अम्बेडकर था बोल के उच्च कोटि का विद्वान बन गया, ये बताने का था। कोई जो लिखने वाला जो इतिहास उसने ये ऐसा खड़म खड़म किया है। ये अभी ये अपना राजेंद्र साहब को हमने जानकर लिया है, यहाँ पर आने पूरा भारत से आता है आदमी फाइनल करने के लिए, बाबा साहेब का दर्शन लेने के लिए, गांव स्मृति भूमि अम्बड़ में, यहाँ पर भारत से पूरा देश में पब्लिक आता है और फॉरेन से भी आता है। 9/2/1965 में अमेरिका से एक भाई आता है एलिनार झेलियट, 9 किलोमीटर चल के यहाँ पर आया, 9 किलोमीटर चल के आया, तभी वो घर गिरा था बाबा साहब का, रामजी बाबा का, उसका फोटो लेके गया। और आसिया खंड में वो भाई का नाम का गौरव हुआ कि अभी तक आसिया खंड में कोई फॉरेन भाई आया नहीं बाबा साहब के जीवन पर रिसर्च करने के लिए। वो MA PhD अमेरिका विद्यापीठ में सादर किया। ऐसा जो आदमी जो आता है उसको सब जानकारी दिया जाता है। अभी भी बाबा साहब का ब्राह्मणीकरण चालू है, जो उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण लोग जो मुंबई में आता है, वो दुबे नाम का एक हमारे पड़ोस में था एक ब्राह्मण, उसका 2 बच्चा था, एक टैक्सी ड्राइवर और एक मिल मजदूर, तो बाजू में बैठ के वो यही चर्चा नाम का चलता था। अरे वो बाबा साहब महाराष्ट्र के बमन थे, अछूतों के लिए बोझ को उसने किया। अभी भी बाबा साहब का ब्राह्मणकरण अभी चालू है। ऐसा ये देश का ये इतिहास चलने वाला है, तो उसके लिए मैं जो को जानकारी दिया वो आप लोग सुन के लिया, और राजनाथ साहब को भी हम धन्यवाद देता हूँ। जय भीम। तो सुदाम गुरु जी ने हमें एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन दी है कि 30 नवंबर 2006 को खुद जो बाबा साहब अम्बेडकर जी के राइटिंग एंड स्पीचेस की जो कमिटी बनी थी, जिसमें हरि नरके एक बहुत बड़ा नाम है इतिहासकारों में या साहित्यिकों में एक बहुत बड़ा नाम है, वो यहां पर खुद ये कंफर्म करने यहां पर आए थे कि उन्हें जब वो सातारा में गए, स्कूल में गए, तब उन्हें कोई भी अंबेडकर नाम का वहां पर गुरुजी नहीं मिला। तो ना तो अंबेडकर नाम का कोई गुरुजी मिला, शिक्षक मिला, ना तो उनके कोई पुस्तें वहां पर मिले, कोई पीढ़ियां मिली। तो ये एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है कि हरि नरके ने भी इसको सर्टिफाई किया हुआ है कि अंबेडकर नाम का कोई ब्राह्मण शिक्षक अस्तित्व में था ही नहीं और है भी नहीं। तो ये जो नाम है अंबेडकर, ये नाम जिस गांव में हम बैठे हुए हैं, ये इस गांव की पहचान है। अंबडवेकर, अंबडवे ये गांव है, भारत के महाराष्ट्र में रत्नागिरी जिले में ये गांव पड़ता है अंबडवे, और ये अंबडवे आज भी यहां पर है जहां पर हम बैठे हुए हैं, बाबा साहब का स्मारक है, और इसी गांव के नाम के ऊपर बाबा साहब का सरनेम, बाबा साहब के पिताजी ने, रामजी बाबा ने सोच समझ कर इस गांव का नाम अपने आगे लगाया अंबडवेकर। और सिर्फ ये नाम उच्चार करने में आड़ा टेढ़ा था अंबडवेकर, आज भी जब मैं बोलता हूं तो ये एक लाइन में नहीं बोल पाता, तो इसलिए अंबडवेकर को अंबेडकर कर दिया गया। ये सिर्फ एक रेक्टिफिकेशन उस नाम में था और अंबडवेकर का अंबेडकर हुआ। किसी ब्राह्मण गुरुजी ने, किसी ब्राह्मण शिक्षक ने बाबा साहब को ना तो अपना नाम दिया और ना ही बाबा साहब को आगे पढ़ाई करने के लिए प्रेरणा दी। तो यही मैं आप लोगों को ये इतिहास, क्योंकि बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स मेरे उस अनटोल्ड अंबेडकर पे ये कह रहे थे कि राजरत्न अंबेडकर गलत बोल रहे हैं, इस बुक में लिखा हुआ है, उस बुक में लिखा हुआ है, खुद हरि नरके ने यहां पर कंफर्म करके गए हैं और मेरे सामने जीते जागते सबूत है कि उनके यहां पर उन्होंने ये कबूल किया कि अंबेडकर नाम का कोई शिक्षक उनको नहीं मिला। तो यही इंफॉर्मेशन मैं आज आपके सामने लेकर आया था, आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।